क्या हाल चाल है दोस्तों, मैं हूँ विश्वास सिंह राजपूत और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट मजेदार अपडेट के साथ। फ्लिपकार्ट ने अपने सेल प्राइसेस रिवील कर दिए हैं एंड अमेज़न ने तो डेट ही अनाउंस कर दी है। इसके बारे में आगे और जानेंगे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपसे ऐसी लाइफ स्टाइल एंड टेक की वीडियो मिस ना हो और जितनी भी अपकमिंग सेल आ रही है उनकी भी अपडेट आपसे मिस ना हो। सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखने के बाद अपना एक लाइक एंड एक कमेंट जरूर करके जाना। आपकी कोई भी डाउट हो या सजेशन हो उन्हें जरूर पोस्ट करना। तो हमेशा सीक्वेंस यही रहता है कि स्टार्टिंग के कुछ दिनों में प्राइसेस रिवील होते हैं देन सेल डेट अनाउंस होती है, बट यहाँ पे अमेज़न ने सीधा ही सेल डेट अनाउंस कर दिया है जो कि है 8 अक्टूबर और जो प्राइम मेंबर है उनके लिए सेल 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था दोनों की ही सेल डेट आपस में क्लैश हो सकती है, लेकिन ये तो 100% है कि फ्लिपकार्ट की भी सेल लगभग सेम डेट पे स्टार्ट होगी और प्लस मेंबर के लिए एक दिन पहले से सेल स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और इसके साथ कुछ गाइडलाइंस भी बताऊंगा जिन्हें आप फॉलो करके बेस्ट डील ले सकते हो। तो फर्स्ट है बजट। तो आपको पहले से ही अपना बजट सेट करके रखना है। सेल स्टार्ट होने के बाद आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा और हो सकता है आपका बजट अंडर 40K हो, 30K हो या 50K हो, ये सब आपको पहले ही अपने माइंड में सेट करके रखना होगा वरना आप एक अच्छी डील मिस कर दोगे। सेकंड है मॉडल। ये भी आपको पहले से डिसाइड करके रखना है कि आपको कौन सा आईफोन लेना है, आईफोन 12, 13, 14, 15। सेल स्टार्ट होने के बाद आपके माइंड में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि मैं कौन सा आईफोन लूं, या फिर आप ये सोचो कि आईफोन 13 की जगह मैं 3-4 हज़ार एक्स्ट्रा मिला के आईफोन 14 ले लूं, तो भाई ये सब करने के लिए भी आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा। ये सब गलती आप मत करना वरना आप एक अच्छी डील मिस कर दोगे। और हाँ, अगर आपको ये जानना है कि कौन सा आईफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा और किस प्राइस रेंज में आएगा तो उसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। उस वीडियो को देखकर आप अपने आईफोन मॉडल एंड अपने बजट को सेट कर सकते हो। सो थर्ड पॉइंट है हमारा कलर। फॉर एग्जांपल अगर आप आईफोन 13 ले रहे हो तो आपको कलर के पीछे नहीं भागना है, उस समय जो भी कलर अवेलेबल हो आपको तुरंत ऑर्डर कर देना है। वैसे भी अगर कोई 40 से 50 हज़ार के बीच में फोन ले रहा है तो वो कवर यूज करेगा। सिंपल सा मेरे कहने का मतलब है अगर आप कलर सेलेक्ट करने में देर कर देते हो तो या तो साइट क्रैश हो जाएगी या तो जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा और आप एक अच्छी डील मिस कर दोगे। फोर्थ है पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, सीओडी अवेलेबल नहीं रहता। अगर बाय चांस सीओडी अवेलेबल रहता भी है तो कोई गारंटी नहीं है, बाद में आपका ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है। और हाँ, यहाँ पे एक अच्छी डील देखने को मिलती है, बट अगर आप कार्ड यूज करोगे तो आप और भी डिस्काउंट अवेल कर सकते हो, जैसे कि फ्लिपकार्ट पे एक्सिस बैंक का कार्ड, आईसीआईसीआई बैंक का कार्ड, कोटक महिंद्रा बैंक का कार्ड मिलेगा एंड अमेज़न पे आपको एसबीआई बैंक का कार्ड मिल जाएगा। अगर आपके पास पहले से ही क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप कहीं से जुगाड़ कर लेना ताकि आप और भी डिस्काउंट अवेल कर सको। और ये जो पेमेंट डिटेल्स है उनको पहले से ही फिल करके रखना, एंड मोमेंट का वेट मत करना। बेसिकली सारी चीजों को पहले से ही फिल करके रखना ताकि आपको एंड मोमेंट पे कोई भी दिक्कत ना हो और आपको एक अच्छी डील मिल सके। हमारे लास्ट गाइडलाइन पे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, सिर्फ आईफोन पे ही नहीं, बहुत सारे एंड्रॉइड फोन, लैपटॉप एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे हैवी डिस्काउंट रहने वाला है, लेकिन उन सभी का आपको पता नहीं लग पाता। तो उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया जिसे ज्वाइन करके आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे। तो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाओ चैनल को ज्वाइन कर लो और अपने पैसे बचाओ। तो फिफ्थ है आपको बुक कब और कैसे करना है। सेल 12 बजे स्टार्ट होती है, आपको 11:50 या 11:55 पे फोन लेकर बैठ जाना है और फ्लिपकार्ट या अमेज़न ऐप पे नहीं बल्कि क्रोम ब्राउजर पर खोलना है और लॉगिन पहले से ही करके रख देना है। बेसिकली ऐप पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है इसलिए वो क्रैश हो जाती है, लेकिन ब्राउजर पे खोल के ये फायदा हो जाता है, आप उसे बार बार रिफ्रेश कर सकते हो एंड क्रैश होने के चांसेस भी कम होते हैं। अगर हो सके तो आप अपने फोन में, अपने लैपटॉप और अपने फैमिली मेंबर्स के फोन में भी अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट खोल के रखें ताकि एक से बुक ना हो तो दूसरे से बुक हो जाए। और हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना कि इंटरनेट कनेक्शन तेज हो और जितनी भी चीजें मैंने पहले बताई आपको कलर्स वगैरह का पीछे नहीं भागना, सारी डिटेल फिल करके रखनी है ताकि जैसे ही ऑर्डर आप उसे करो बाय नाउ का ऑप्शन देखे उस पर स्पैम कर देना, उसे बार बार क्लिक करना है ताकि आपको एक अच्छी और बेस्ट से बेस्ट डील मिल सके। तो ये थे हमारे 5 मिस्टेक जिनको आपको नहीं करने हैं और उनके साथ कुछ गाइडलाइन जिन्हें फॉलो करके आप एक बेस्ट डील ले सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी इस सेल का फायदा उठा पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली अपडेट आपसे मिस ना हो और अपने कमेंट एंड डाउट भी जरूर पोस्ट करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ।